अगेन वी आर स्टार्टिंग द न्यू क्वेश्चन दैट इज एग्जाम्पल 4.5। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन और टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। तो हमने देखा v, तो इसे लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर यूजिंग यूनिट वेक्टर्स, ओके, ऐसे ही हमने इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमको पता है s वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u वेक्टर इनटू t प्लस 1/2 a वेक्टर इनटू t स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को हमको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर डॉट s वेक्टर। यहां पर हमको डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में तीन इक्वेशन है और उसी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर, ओके, इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर हमको गिवन है 5। यहां पर हम कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा हमको समझना, ओके, ओके, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर u वेक्टर इज इक्वल टू 5.0 i के मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड इट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन a वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 i के प्लस 2.0 j के, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा। What is the y coordinate of a particle at the instant its x coordinate is 84? जब x coordinate 84 हो जाएगा तो y coordinate कितना होगा? Okay, तो यहाँ पर हम position का use करेंगे, this s is equal to u vector into t, okay, what is the y coordinate? When x coordinate is 84, तो the position s is equal to ut plus half at square हम use करेंगे, okay, क्योंकि यहाँ से हम compare करेंगे x coordinate को 84 से और वहाँ पर time find करेंगे और उस time पर y coordinate हम find करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे x i cap plus y j cap is equal to u, u कितना है 5 i cap into t plus 1/2 acceleration कितना है 3 i cap plus 2 j cap into t square, ओके, इसे थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे x i cap plus y j cap is equal to 5 t plus 3 t square by 2। यहाँ थोड़ा सा ऐसे ध्यान से समझना पड़ेगा, i के कोफिशियंट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना होगा, इस 1/2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और t square का पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बिकम 3 t square by 2 i के प्लस j के का कोफिशियंट तो केवल 2j है, सो 2 विल कैंसिल आउट, 1/2 इनटू 2 इनटू t square, सो अल्टीमेट इट विल बिकम t square ओनली, है ना। अब ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये है 84, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5t प्लस 3/2 t स्क्वायर इज इक्वल टू 84। ऐसे हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 10t इज इक्वल टू 2 का एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 इंटू 2, ओके, सो इट विल बिकम 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस, इसको नेगेटिव साइड लेके आएंगे तो इट विल बिकम 8
is equal to 0. यहाँ पर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको टी का वैल्यू मिलेगा, टी इज इक्वल टू मिलेगा 6, है ना. इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता आपको आता होगा. तो टी इक्वल टू 6 सेकेंड हमको यहाँ से मिलेगा, है ना. एक और टाइम मिलेगा जो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को हम अवॉइड कर देंगे. ओके, टी इक्वल टू 6 मिला. और हमको अब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमको पता है वाई कोऑर्डिनेट कितना है, टी स्क्वायर. वाई इज इक्वल टू कितना है, ये था एक्स इक्वल टू. ओके, कोफिशिएंट कंपेयर किया हमने. तो अब वाई इक्वल टू कितना मिला, वाई इक्वल टू है टी स्क्वायर. ओके, मतलब टी का वैल्यू यहाँ से आया 6, तो 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36, इट विल बी इन मीटर. ओके, थैंक यू वेरी मच.